न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे को लेकर रोहित शर्मा ने लिया बड़ा फैसला। तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कर दिया भारी बदलाव। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा ने किन किन लड़ाकों को शामिल किया है। लेकिन बताने से पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से आपका कौन है फेवरेट खिलाड़ी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ पर मिल सके क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने पिछले दो वनडे मैचों में जीत दर्ज कर ली है और इसी के साथ सीरीज में 2-0 से अपनी अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच में तीसरा वनडे मैच 24 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं रोहित शर्मा ने टीम में कौन कौन से बदलाव किए हैं। शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले 5 मैचों में कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शानदार ओपनिंग की साझेदारी की है। रोहित और गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों का ओपनिंग में उतरना तय है। रोहित ने दूसरे वनडे में 51 रनों की शानदार पारी खेली थी। वही टीम की प्लेइंग 11 में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का उतरना तय है। कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी और अपना दिन होने पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसी के साथ टीम में 14 नंबर पर ईशान किशन का उतरना तय है, वह इस मैच में विकेट कीपर की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। वही टीम में 5वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। सूर्या भी वनडे मैचों में अपने नाम के अनुरूप कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए है, ऐसे में वह तीसरे वनडे में अपनी ओर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। इसी के साथ टीम में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का उतरना तय है। हाल ही के मैचों में हार्दिक गेंद और बल्ले दोनों से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद टीम में 8वें नंबर पर मौका मिला है वॉशिंगटन सुंदर को। 9वें नंबर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं कुलदीप यादव। रोहित शर्मा ने 10वें नंबर पर खेलने का मौका दिया है मोहम्मद शमी को। और इसी के साथ टीम में 11वें नंबर पर मौका मिला है मोहम्मद सिराज को। जी हाँ दोस्तों, यही वो लड़ाके हैं जो तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा वनडे भी हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा के द्वारा घोषित की हुई प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए।